मार्केट में। तो मार्केट में देखा एक आदमी एक बकरा को खींच करके, और बकरा पीछे की तरफ जा रहा, खींच माने वो खींच रहा था, चिल्ला रहा बकरा, बड़ी तेजी से आवाज कर रहा था। तो बालक ने पूछा, पिताजी ये इसको कहां ले जा रहे हैं जो चिल्ला रहा है? तो पिताजी ने कहा कि इस बकरे को वो काटने के लिए ले जा रहे हैं, उसको मार डाले। तो बालक ने कहा चलिए ठीक है, हम तो समझा इसको स्कूल ले जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि मेरी शिक्षा नीति कितनी थी, उस छोटे से बच्चे ने अगर बकरा चिल्ला रहा है तो उसको डर लग रहा था कि कहीं इसको स्कूल तो नहीं ले जा रहे हैं। भय मुक्त वातावरण में, भय युक्त वातावरण में जो सीखने की क्षमता होती है जीरो जीरो। इस नाते उस वातावरण को विद्यालय में क्रिएट ना हो जहां बालक आए उसको घर से ज्यादा आनंद मिले, और विद्यालय आने के लिए हमेशा खुशहाल ढंग से आवे, ऐसी समस्त सामग्रियां उस विद्यालय में स्थापित की जाएंगी, वो संसाधन जुटाए जाएंगे, विद्यालय परिसर में पूर्णतया सामग्रियों का प्रबंधन किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि इतना पैसा कहां से आएगा जो संसाधन, तो सरकार ने इसके लिए सारी व्यवस्था की है कि जो अभी तक बजट का 2% खर्च किया जाता था इसको बढ़ा करके सरकार 6% करेगी। विद्यालयों के संसाधन विकास में सरकार 6% तक ले जाएगी। किनके माध्यम से? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से तथा अभिभावकों के सहयोग। इस शिक्षा नीति में प्रबंधन किया गया है कि गांव में